Hello class, today we are going to start our fourth poem from your textbook Flamingo. Name is A Thing of Beauty. इसके poet हैं John Keats, जो कि एक British poet हैं. ठीक है, ये surgeon बनने के लिए इन्होंने practice की थी, but बाद में इन्होंने decision लिया कि ये अपना जो पूरा devotion है वो poetry को devote कर देंगे. ठीक है, अब हम पोएम पर आते हैं. पोएम का टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अब उन्होंने इस पोएम में क्या कहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये जो जॉन कीट्स की एक बहुत ही एक्सेप्शनल, कह सकते हैं एक्सेप्शनल पोएम है. ठीक है, उन्होंने इस पोएम में कहा है एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या है, एक फॉरएवर जॉय है. इसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होती है. ठीक है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा हमें बहुत सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपने डार्क स्पिरिट्स पर कॉन्कर कर सकें. ठीक है, इसमें इन्होंने जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर ज़्यादा जोर दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब इसमें जॉन कीट्स क्या कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, जो सुंदरता भरी जो चीज़ है वो हमेशा ही enjoyable होती है, आनंददायी होती है. ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा इंक्रीज होती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट मींस कि ये कभी भी रिड्यूस नहीं होती है, ये कभी भी ज़ीरो लेवल तक नहीं पहुँचती है कि इसमें कुछ भी ना बचे. नथिंगनेस मीन्स कि इसमें कुछ भी ना हो, ये कभी भी उस लेवल तक नहीं रिड्यूस हो सकती. बट विल कीप अबोवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमेशा ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है. ठीक है, एक शेल्टर प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम ट्री के शेड के नीचे हम जैसा फील करते हैं उस तरीके की प्लीजेंट शेल्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें प्रोवाइड करती है. एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और क्या प्रोवाइड करती है, एक बहुत अच्छी स्लीप जिसमें कि बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स हों. ठीक है, एक स्लीप प्रोवाइड करती है ताकि हम अच्छे सपने देख सकें, जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो, क्वाइट हो और एफर्टलेस ब्रीथिंग हो, इट मीन्स कि क्वाइट हो. ठीक है, तो ये 5 लाइन्स आपको समझ में आई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर क्वाइट ब्रीथिंग तक, कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एक जॉय है, फॉरएवर जॉय है. ठीक है, ये कभी भी नथिंगनेस तक नहीं जाती है, हमेशा बढ़ती रहती है और हमेशा हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करती है, एक ऐसी नींद प्रोवाइड करती है जो कि फुल हो स्वीट ड्रीम्स से, हेल्थ से और क्वाइट ब्रीथिंग से, दैट मीन्स कि एफर्टलेस ब्रीथिंग से. क्लियर, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. नाउ द नेक्स्ट, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स. अब यहाँ पर क्या कहता है पोएट कि देयर फोर, इट मीन्स ऑन एवरी मोरो, इट मीन्स एवरी नेक्स्ट डे, हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक रेथ करते हैं, क्या गूंथते हैं कि एक बैंड, हम एक बैंड को बना रहे हैं ताकि हम अपनी अर्थ से बाइंड अप रह सकें. ठीक है, हम हमेशा अगले दिन हम क्या करते हैं, जब भी हम अगली सुबह उठते हैं एक नई होप के साथ उठते हैं. ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमेशा नई सुबह क्या लाती है, एक नई होप लेकर आती है. तो हमेशा नए दिन में
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं एक फ्लावरी बॉन्ड बैंड बनाने का, एक फ्लावरी बैंड बनाने का, ताकि हम अपनी अर्थ से बाइंड अप रह सकें। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इट मीन्स कि लेकिन हमेशा हमारे चारों तरफ क्या रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है, डिजेक्शन रहता है, निराशा रहती है हमारे चारों तरफ। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे इनह्यूमन डर्थ हैं, इट मीन्स कि जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं। डर्थ मीन्स कि जो हमारी कमियां हैं हमारे अंदर, हम उन चीज़ों को लेकर हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इन चीज़ों को लेकर हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में ही जीते हैं। ऑफ नॉबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, इट मीन्स कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नॉबल हर्ट रखते हैं। ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इट मीन्स कि जो सारी सैड डेज हैं, जो बुरे दिन होते हैं, इवल एंड अनहेल्दी वेज हैं, वो हमेशा हमारी लाइफ को क्या करते हैं, वो हमेशा हमारी लाइफ को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, मेड फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हमेशा हम लोग किस चीज़ की सर्च में रहते हैं, इन सब से परे हटकर हम लोग हमेशा क्या ढूंढते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, इट मीन्स कि हम इन सब से हटकर कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स को हमेशा सर्च करते हैं, जो कि हमारी सैड फीलिंग्स का जो कवर है हमारे हार्ट के ऊपर, उसको रिमूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मेड फॉर आर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, मतलब कि जो हमारे मन में अंधकार छाया है, जो हमारे दिल पर अंधकार छाया है, हम उसको हटाने के लिए, उसका कवर हटाने के लिए, पाल हटाने के लिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, ब्यूटीफुल चीज़ों की हमेशा सर्च में रहते हैं। ठीक है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, इट मीन्स कि जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज हैं, चाहे वो बड़े पेड़ हों या छोटे पेड़ हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, इट मीन्स कि ये हमेशा डेवलप करते रहते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, फोर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with a green world they live in and clear rills that for themselves a coolly covert make against the hot season, it means कि एक शीप के लिए यहाँ पर जॉन कीट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं, ये क्या है, ये हमारे लिए एक बून है, ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक है, और बून किसके लिए है, एक सिंपल शीप के लिए है, एक शीप होता है उसके लिए भी ये एक बून है। डैफोडिल फ्लावर्स जो हैं वो हमेशा हमारे चारों तरफ उगते रहते हैं, जो हमारे ग्रीन सराउंडिंग्स हैं उसमें हमेशा ग्रो करते हैं, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूली कवर्ड मेक, इट मींस कि वे हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ही हॉट सीजन से अपने आप को बचाते हैं। जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जिसमें वाटर बहता रहता है, वो हमेशा अपने आप को हॉट सीजन से बचाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो भी हॉट सीजन होता है उसके अगेंस्ट अपने आप को बचा लेते हैं, क्या, कूलिंग कवर्ट मेक, ताकि वो अपने ऊपर एक ठंडा जो है वो कवर अप कर सके। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इट मीन्स कि जो झाड़ियाँ होती हैं वो फॉरेस्ट के बीच में उगती रहती हैं, और वो जब और ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं जब उनके आसपास कुछ रोज़ेस उग जाते हैं, मस्क रोज जो होते हैं वो उनके आसपास जब ग्रो करते हैं वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्प्रिंकलिंग बन जाती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड and all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink,
इट मीन्स कि ये जो मैग्निफिकेंस है, ये जो ब्यूटी है, ये हमेशा क्या करती है, ये हमेशा हमें एक वैभव देती है, एक बहुत सुकून की कह सकते हैं, हमें सुकून देती है, ताकि हम अपने जो फोर फादर्स हैं, जो डेड फोर फादर्स हैं, हम उनको इमेजिन कर सकें। ये जो ब्यूटी है ये एक्सेल करती है क्या, कि जो भी हमने अभी तक कहानियाँ सुनी हैं, जो भी हमने अभी तक स्टोरीज सुनी हैं, उन सब चीज़ों को अमर करती हैं, इमोर्टल करती हैं, ठीक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये हमारे लिए कैसी होती हैं, जैसे कि एक अमर क्या कह सकते हैं कि एक जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली या कभी ना भूलने वाली ड्रिंक का फाउंटेन, ये हमारे लिए उसकी तरह काम करती हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, इट मीन्स कि ये हमें क्या उडेलती हैं, कि जो पैराडाइज से आता हुआ कॉर्नर है, ये हमें उसकी तरफ ले जाती हैं। इट मीन्स कि ये हमें बहुत ज़्यादा जॉय प्रोवाइड करती हैं, बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।